इसको थोड़ा समझने के लिए कंपेयर करके आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मान लो आपके पास एक भैंस है और भैंस की देखभाल करने के लिए उसको एक ब्रश आपने लिया जिससे भैंस को रोज सफाई करते हैं। ग्रेट। तो भैंस साफ हो जाता है। वही वाला ब्रश अगर लेंगे और एक छोटे से नाजुक से बच्चे को साफ करने लगेंगे तो क्या होगा, क्या वो साफ होगा? आंसर इज हाँ साफ होगा, लेकिन साथ में क्या एक और चीज हो जाएगी, उसमें घाव आ जाएंगे। Right. बच्चे को घाव आएंगे क्योंकि वो जो ब्रश है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रश है, उसके जो नुकीली नुकीले जिस तरह उसके दांत और ब्रश के, वो बच्चे के सॉफ्ट स्किन के लिए ठीक नहीं है। तो अगर सिर्फ इतना सवाल पूछते हैं कि आप बच्चा साफ हो जाएगा, हाँ साफ हो जाएगा, लेकिन आप अगर आगे पूछते हैं और कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? साइड इफेक्ट होगा, बच्चा इंजेक्ट भी हो जाएगा, उसका सारा जो स्किन है छिल जाएगा। राइट। तो एट दैट कॉस्ट वो साफ होगा। तो जब भी आप कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल चीजें लेते हैं, इसोबोल या इनो इस तरह की चीजें पेट साफ करने वाली, तो पेट को एक बार साफ तो कर देती है लेकिन वो भैंस के ब्रश वाला ब्रश के से कंपेयर कर सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ किलिंग द गुड बैक्टीरिया। तो गुड बैक्टीरिया का एक नाम मैं आपको बोल देता हूँ, एक ही एग्जाम्पल काफी होगा, अकरमंसिया मुसिनिफिला, अकरमंसिया मुसिनिफिला। ये जो बैक्टीरिया कहाँ पे रहता है, आपका कोलोन जो है, कोलोन के गेटवेज पे ये बैक्टीरिया रहता है। राइट। और ये बैक्टीरिया पलता फूलता है किस पे, जो आप कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाते हैं उसमें जो फाइबर है, वो फाइबर आपका बॉडी नहीं खाता है। जिस तरह से लकड़ी, ये लकड़ी के चेयर पे बैठा हूं मैं, लकड़ी का टेबल है जिसपे लैपटॉप रखा है, लकड़ी कोई भी जानवर नहीं खाता। राइट। आप भी नहीं खाते क्योंकि लकड़ी हमारा पेट डाइजेस्ट नहीं कर पाता। राइट। सिमिलरली फाइबर जो होता है फ्रूट्स वेजिटेबल के अंदर, वो भी हमारा पेट उसको नहीं खाता, उससे कुछ निचोड़ नहीं पाता है। तो क्या होता है कि जब आप कुछ खाते हैं तो फाइबर के अलावा बाकी सारे जो चीजें हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब करता है और फाइबर को आगे धकेलता जाता है। और फाइबर जब कोलोन से निकल रहा होता है, तो अभी मैंने जो बैक्टीरिया का नाम बताया था अकरमंसिया मुसिनिफिला, ये जो बैक्टीरिया है ये इस फाइबर का फाइबर बैक्टीरिया का भोजन है। ओके। हाँ, और ये वाला बैक्टीरिया जो है ये आपके बॉडी के बहुत सारे केमिकल मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल आपके बॉडी में कितना इंसुलिन बनेगा ये भी यही बैक्टीरिया तय करता है, इसका सिग्नलिंग भी यही वाला बैक्टीरिया देता है। लेकिन ये बैक्टीरिया का भोजन क्या है, वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वाला फाइबर। राइट। और फाइबर दो काम करता है, एक तो हमारा बॉडी फाइबर को आगे धकेल रहा है तो फाइबर सफाई कर रहा है, और दूसरा वो बैक्टीरिया तक पहुंचे तो बैक्टीरिया उसको खाने में लगा, तो बैक्टीरिया के लिए भोजन और हमारे बॉडी के लिए ब्रश। जबकि जो आर्टिफिशियल फाइबर आप लेते हैं वो सिर्फ ब्रश की तरह काम करेगा और उस वाले बैक्टीरिया का भोजन नहीं बनेगा, बिकॉज वो आर्टिफिशियल फॉर्म में बैक्टीरिया उससे सस्टेन नहीं हो सकता। तो ऐसे में क्या होगा, वो वाले बैक्टीरिया की तादाद कम होती जाएगी। जब उस बैक्टीरिया की तादाद कम होगी तो आप एक तो मोटे होते जाएंगे, दूसरा आपकी सिग्नलिंग सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, यानी कि आपकी बॉडी कम इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी और जिससे आप क्या हो जाएंगे, डायबिटीज पेशेंट भी हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कैसे चीजें एक से जुड़ी हुई हैं। आपका सवाल था कि वो जो आर्टिफिशियल वाला है वो नेचुरल से अलग कैसे है, तो आपने मैंने बता दिया क्योंकि हमारा पर्पस एक नहीं है। फाइबर जब आप लेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से, उसका सिर्फ पर्पस आपके स्टमक को क्लीन करने का नहीं है, उसका पर्पस बहुत सारे, उनमें से एक और पर्पस मैंने जो बताया कि बैक्टीरिया का भोजन है, वो आपका भोजन नहीं है, आपके बैक्टीरिया का भोजन है। राइट। और सिर्फ एक बैक्टीरिया का भोजन नहीं है, 500 तरह के बैक्टीरिया, उनमें से बहुत सारे बैक्टीरिया का भोजन है जो कोलोन में जो रेजिडेंट है। राइट। और वो सारे बैक्टीरिया यू ही नहीं रहते आपके बॉडी में, वो सारे बैक्टीरिया बदले में कोई ना कोई काम आपका देखते हैं, कोई इम्यूनिटी को संभालता है, कोई हार्मोनल बैलेंस को संभालता है, कोई इंसुलिन सिग्नलिंग का काम करेगा, कोई ब्रेन को इंडिकेशन देगा कि कब भूख लगानी है आपको, कब भूख एहसास होना है। तो ये सारे काम मिलकर करते हैं जिससे आप जिंदा हैं, जिससे आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। सो ये सारी चीजें मैनेज करती हैं, लेकिन बदले में उसको खाना चाहिए, उसका खाना वो फाइबर है और वो आर्टिफिशियल फाइबर नहीं है, वो वही है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से। तो जब आप आर्टिफिशियल फाइबर लेने लगते हैं तो साथ ही साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की मात्रा आप कम करते आते हैं और वो खत्म ही कर देते हैं, और लिहाजा वो वाले बैक्टीरिया भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, मर ही जाते हैं, और आप परमानेंटली कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट बने ना बने, डायबिटीज के पेशेंट या किडनी फेलियर के पेशेंट, हजारों चीजों के पेशेंट बन जाते हैं, और आप रिलेट ही नहीं कर पाते हैं कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके भोजन से था या इसका डायरेक्ट कनेक्शन वो जो एसिडिटी वगैरह के लिए जो दवाइयां लेते हैं, वो दवाइयां आपको अल्सर करती हैं, ट्यूमर बनाती हैं, कैंसर करती हैं, बट आप रिलेट ही नहीं कर पाएंगे किस तरह से स्टेज वाइज डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन दवाइयों ने कंट्रीब्यूट किया आपको एक बीमार इंसान बनाने के लिए।